स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी क्लास 10 मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट है हमारा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट है। फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट हमने पिछली वीडियो में बता रखे हैं। थर्ड पार्ट हमारा है रूट टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 रूट टू इक्वल टू 0। अब आपको पता है इस रूट टू की मल्टीप्लाई करेंगे आप इधर तो 5 रूट टू के साथ आप रूट टू की मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 5 रूट टू की रूट टू से 2 मिलेगा, यानी कि आपको 10 लिखा। अब आपको 10 के फैक्टर करना है प्लस के आपको 7 लेके आना है, तो यानी कि 3 प्लस 5 प्लस 2 हो जाएगा यहाँ पे, सॉरी, ठीक है। रूट टू एक्स स्क्वायर इस 7 के लिए 5 प्लस 2 में ब्रेक कर देना है आपको, तो 5 रूट टू इजिकल टू 0 हो गया। अब आपके रूट टू एक्स स्क्वायर एक्स से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x प्लस के 2x प्लस 5 रूट टू इजिकल टू 0। अब आप देखेंगे यहाँ से आपको क्या कॉमन मिलेगा, सिर्फ आपके पास x कॉमन है यहाँ से, तो रूट टू एक्स प्लस 5 प्लस यहाँ से देखेंगे कॉमन क्या मिल रहा है आपको, ओनली रूट टू मिलेगा कॉमन यहाँ से, रूट टू मिलेगा क्योंकि आपको पता है 2 के लिए रूट टू और रूट टू इंटू रूट टू लिख सकते हैं, तो यहाँ पर क्या बचेगा, रूट टू बचा, x बचा, प्लस के 5 बचा, इजिकल टू 0। आपको दिख रहा है यहाँ पे देखो हमारे अंदर वाले ब्रैकेट दोनों सेम हो गए, ठीक है। तो x प्लस रूट टू एक ब्रैकेट आपका जो वार वाला हो जाता है और एक ब्रैकेट आपका रूट टू एक्स प्लस 5 इजिकल टू 0 हो गया। अब दोनों के लिए 0 के इक्वल करेंगे, इजिकल टू 0 और रूट टू एक्स प्लस 5 इजिकल टू 0। यहाँ से आपको x की वैल्यू माइनस के रूट टू मिलेगा, ठीक है, एंड यहाँ से x की वैल्यू माइनस के 5 अपॉन रूट टू मिलेगी, ठीक है, ठीक है। अब फोर्थ, इसका फोर्थ पार्ट क्या है, 2x² माइनस एक्स प्लस 1y8 इजिकल टू 0। आप पहले आप 8 एलसीएम लेंगे, यहाँ पे 8 एलसीएम लेंगे, 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगी इधर, 16x² माइनस के 8 प्लस 1 इजिकल टू 0 हो जाएगा। 16, अब 8 आपको इधर चले जाएगा तो 16x² माइनस का 8x प्लस 1 इजिकल टू 8 की मल्टीप्लाई 0 से होगी तो 0 हो जाएगा। अब आपको 16 की मल्टीप्लाई यहाँ से 1 से करनी है तो यानी कि 16 आएगा, इसके फैक्टर करना है प्लस का आपको 8 लेके आना है, ठीक है। तो आप इस तरीके से फैक्टर कर लेंगे यहाँ पे, तो देख रहे हैं 2 2 जा 4 2 2 जा 4 4 प्लस 4 में आप ब्रेक करेंगे 8 के लिए, ठीक है। तो 8 के लिए क्या लिखेंगे, 4 प्लस 4 एक्स प्लस 1 इजिकल टू 0। एक्स से अंदर मल्टीप्लाई करना है आपको, 16x² माइनस का 4x माइनस प्लस माइनस का 4x प्लस 1 इजिकल टू 0। इन दोनों से कौन बताओ, इन दो से कौन बताओ प्यारे बच्चों, यहाँ से देख रहा है आपको 4x कॉमन मिलेगा तो 4x माइनस का 1 बचेगा, माइनस 1 कॉमन लेंगे यहाँ से 4x, साइन बाहर माइनस है तो अंदर वाला साइन चेंज हो जाएगा तो यानी कि माइनस 1 हो जाएगा इजिकल टू 0। 4x माइनस 1 दोनों ब्रैकेट हमारे सेम हो चुके हैं तो 4x माइनस 1 एक बाहर वाला हो जाएगा, 4x माइनस 1 एक अंदर वाला हो गया, यानी कि दोनों ब्रैकेट हमारे सेम है, 4x माइनस 1 का होल स्क्वायर होगा यानी, ठीक है। तो 4x माइनस 1 को अगर 0 के इक्वल करेंगे आप तो आपके लिए x की वैल्यू क्या मिलेगी, 1/4 मिलेगी। इसको भी इक्वल करेंगे आप तब भी आपको 1/4 मिलेगी, ठीक है। तो x की वैल्यू 1/4 आपको निकल आएंगी, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इस क्वेश्चन कर लेंगे, 100 की मल्टीप्लाई आपको 1 से करना है, ठीक है, जो एक्स स्क्वायर के पास में होता है उसकी मल्टीप्लाई करते हैं कांस्टेंट नंबर के साथ में, तो 100 आएगा। 100 के जब आप फैक्टर करेंगे और तो प्लस के आपको कितना लाना है, 20 लाना है, तो आपको पता है ये 250 जा जाएगा, ये 225 जा 5, 5 जा 5 बन जा, 25 जा 10 एंड 25 जा 10, 10 प्लस 10 में आप इसको ब्रेक कर लेना, तो 100 एक्स स्क्वायर माइनस के 10 प्लस 10 एक्स प्लस 1 इजिकल टू 0। एक्स से मल्टीप्लाई कर लेना यहाँ पे, तो 100 एक्स स्क्वायर माइनस के 10x माइनस के 10x प्लस 1 इजिकल टू 0 हो जाएगा। अब आपको दिख रहा है इन दो से क्यों कौन मिलेगा, इन दो से क्यों कॉमन आएगा, सोच के बताइए, 10x कॉमन मिलेगा यहाँ से क्योंकि 10 का देखो ये डिविजिबल होगा 100, 10 बन जाता है तो यहाँ पे 10x बचेगा, माइनस वन कॉमन लेंगे तो वही 10x माइनस 1 इजिकल टू 0। एक ब्रैकेट भाई 10x माइनस 1 ब्रैकेट हो गया एक आपका, एक भी दूसरा भी 10x माइनस 1 हो गया, यानी कि ये भी देखो 10x माइनस 1 का होल स्क्वायर है,
तो आप जब यहाँ पे 10x माइनस 1 को इजगल टू 0 करोगे तो x की वैल्यू 1y10 मिलेगी। इसी तरीके से आप इसके लिए करेंगे यहाँ पे तो वो भी आपका x की वैल्यू 1y10 मिलेगी। तो इस प्रकार से आपके क्वेश्चन नंबर फोर्थ के पांचों पार्ट हो चुके हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के पांचों, ठीक है प्यारे बच्चों, आप इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना बार बार, तो आपको अच्छे बिल्कुल समझ में आया होगा इसी क्वेश्चन के लिए।